हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो आपके चेहरे से जो है कालेपन को खत्म करने के साथ साथ जो है दाग धब्बों को, टैनिंग को कम्प्लीटली खत्म कर आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ जो है आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस रेडियंट बनाती है। एंड ये अमेजिंगली वर्क करती है पहली ही बार में। चाहे जिद्दी सी टैनिंग हो हाथों पैरों पर, फुल बॉडी पर, उसको कम्प्लीटली खत्म कर ग्लोइंग स्किन देने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और ये बनाने में भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। घर की सारी चीजों जो है आप इसको बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं टी पाउडर को ले लूंगी। गाइस, टी पाउडर जो होता है वो रिड्यूस करता है ब्लामिशेस को। अगर आपकी स्किन यूवी रेज से डैमेज हो गई है, सन टैन, जिद्दी सी मैल, कालापन जमा हो गया, तो उसको ये खत्म कर देता है। प्रीमैच्योर एजिंग को खत्म कर देता है, रिड्यूस करता है पफिनेस को। एंड जो सबसे अच्छी चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी खत्म कर देता है। एंड ये जो है आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ज्यादा जो है इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे जो है एक चम्मच के करीब जो है मैं चाय टी पाउडर को ले लूंगी, यानी चाय पत्ती, जो हर घर में अवेलेबल होती है, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी वार्म वाटर, ताकि जितनी भी इसकी गुडनेस है जो है वो पानी में आ जाए। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है गैस में जो है चाय पत्ती का पानी बना सकते हैं, टी पाउडर को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे जो है मैं इसमें हॉट वाटर को ऐड करूंगी, ताकि जितनी भी गुडनेस है जो है वो पानी में आ जाए। अच्छी तरीके से जो है इसको हिला लीजिए, चला लीजिए, ताकि जितनी भी गुडनेस है, अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए ताकि जितनी भी गुडनेस है ये पानी में आ जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं इस बाउल को जो है अच्छी तरीके से जो है इसका जितनी भी गुडनेस है आने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे एक एम्प्टी बाउल, एंड उसमें मैं ऐड करूंगी कुछ ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मेरे पास पैराशूट है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उसको ऐड करना है, कुछ कतरे जो हम इसमें ऐड करेंगे। गाइस, नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखता है कोकोनट ऑयल। ये जो है एक नेचुरल जो है मॉइस्चराइजिंग जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करता है, एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। तो कुछ कतरे जो है हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें जो है वन पिंच ऑफ के करीब मैं टर्मरिक को ऐड कर लूंगी। टर्मरिक सालों से हमारी सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टर्मरिक जो है अमेजिंगली वर्क करता है। जब जितनी भी टैनिंग हो, कालापन हो, टर्मरिक जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली उसमें वर्क करता है, टैनिंग को खत्म करता है, जिद्दी से मैल को खत्म कर देता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसको खत्म करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, एजिंग को खत्म कर देता है। एंड सबसे अच्छी चीज है जो एक्ने है उसको उस पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, लाइटन करता है आपके मार्क्स एंड स्कार्स को। तभी तो जो है टर्मरिक को सालों से हमारी सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड जो सबसे अमेजिंग चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही जो है अच्छी तरीके से वर्क करता है आपके टैनिंग पे, कालेपन पे, दाग धब्बे, छोटे छोटे जो दाने दाग धब्बे होते हैं उसको बहुत ही ईजिली खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जो है पिंच ऑफ के करीब मैं टर्मरिक को ले लूंगी। आपने किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है, आपने ले ली है कस्तूरी हल्दी, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पिंच ऑफ के करीब मैं टर्मरिक को इसमें ले लूंगी। अच्छा जी, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की जितने सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता पाऊँ उतने कम हैं। एलोवेरा जेल जो है आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखता है, जो आपकी सैगी सी जो है ड्राई सी स्किन है उसमें एक जान डाल देता है, आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। एलोवेरा जेल के लॉट्स ऑफ जो है बहुत सारे जो है अमेजिंग बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो है हमारे जितने भी प्रॉब्लम है हमारे बॉडी से रिलेटेड, या फिर जितने भी हमारी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे, टैनिंग है, उसको खत्म कर देता है। आपको नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज रखता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, एंड सबसे अच्छी चीज जो है ना ये ड्राइनेस को खत्म कर देता है, टैनिंग को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे जो है एक चम्मच के करीब मैं जो है एलोवेरा जेल को ले लूंगी। आपने जो है यहाँ पे मैंने मार्केट वाला लिया है, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको सूट करता हो आपने वो ले लेना है। अगर आप प्लांट का एलोवेरा जेल ले रहे हो तो वो जो है बहुत टाइम आप स्टोर नहीं करके रख सकते, लेकिन ये जो है आप 5 to 7 days के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, अगर आप जो है मार्केट वाला लेते हैं। जो भी आपको सूट करता हो उसका इस्तेमाल आपने करना है। इतना मिक्स करना है कि जो है इसमें एक जान हो जाए, कुछ भी लर्म्स, गांठे वगैरह ना रहे।
अच्छा जी, इसको जो है मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहनी चाहिए। ये अच्छी तरीके से जो है आप इसको 3-5 to 7 days के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, डर्ट है उसको ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करने के साथ साथ जो है ये आपके टैनिंग को ख़त्म करेगा, जिद्दी सी मैल को ख़त्म कर देगा, आपको ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। गाइस पहली बार में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आप देख सकते हो। को ले लिया है, उसके बाद जो है हाफ पोटैटो को हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे एंड इसके छिलके समेत आपने इसको ग्रेट करना है। पोटैटो जो है नेचुरल एक्सफोलिएट की तरह काम करता है, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। हम वन टाइम के लिए बना रहे तो इतना हमको इनफ है एंड जो है हाफ से हाफ पोटैटो आपने ले लेना है। गाइस पोटैटो जो है एक्सफोलिएट की तरह तो काम करता ही करता है, लेकिन ये जो है आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है और जो है पोटैटो के जूस को हम सेपरेट कर लेंगे। बेसिकली हमको पोटैटो का जूस चाहिए, वन टाइम के लिए बना रहे तो 1 चम्मच के करीब जूस जो है इनफ है। इसको बना के बिल्कुल भी नहीं रखना है आपने, और जो है जब भी बनाना है तब भी आपने जो है इस्तेमाल करना है। आप इसका इस्तेमाल फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, फुल बॉडी पे कर सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब जो है जूस को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। गाइज उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब बेसन। बेसन जो है डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को, ये बहुत अच्छे तरीके से क्लींजिंग का काम करता है और जो सबसे अच्छी चीज है एक्सफोलिएशन का काम करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है एंड जो है ये इम्प्रूव करता है आपकी स्किन के टेक्स्चर को, रिड्यूस जो है जितना भी जो है आपकी ओवरऑल आपकी स्किन को एनहेंस करता है, स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है एंड जो है बेसन के हमारे स्किन पे बहुत सारे फायदे हैं। ये स्किन की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने बेसन को ले लिया है। बाद इसमें मैं कॉफी को ऐड कर लूंगी, मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उसका इस्तेमाल करना है। कॉफी जो है आपकी स्किन से टैनिंग को खत्म कर देता है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग का काम करता है एंड जो है ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, हेल्प है डलनेस को खत्म करने में एंड एजिंग को स्लो डाउन करता है एंड जो है इंस्टेंट ब्राइटनिंग का काम करता है, आपके स्किन टोन को जो है ब्राइटन अप करता है। ये अमेजिंग रिजल्ट है कॉफी के हमारे स्किन में। तो यहाँ पे 1 पाउच कॉफी को मैंने डाल दिया है। 1 टाइम के लिए 1 पाउच इनफ है। अगर आप जो है फुल बॉडी के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से जो है आप रेशियो को ऊपर नीचे कर सकते हो एंड कुछ कतरे जो है फाइनली जो है कुछ कतरे लेमन के हम इसमें डाल देंगे। लेमन जो है तेजी से मैल काटता है, लेमन में होता है भर भर के विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंगली वर्क करता है, टैनिंग को खत्म कर देता है एंड जो है इसमें तेजी से मैल काटने की सलाहियत होती है। तो कुछ कतरे, बहुत ज्यादा आपने लेमन नहीं डालना है, 2-3 कतरे जो है लेमन के डालना है। जितना भी, ट्रस्ट मी गाइस, जितना भी टैनिंग है डलनेस है आपकी स्किन पे बहुत ही इजिली कंप्लीटली खत्म कर देगा और जो है ये स्किन पॉलिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है एंड जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे तो इसमें जो है थोड़ा सा बेसन को हम और ऐड करेंगे। मैंने 1/2 चम्मच के करीब जो है यहाँ पे बेसन को इसमें ऐड कर लिया है। बहुत ज्यादा अभी नहीं ऐड करना है, बहुत ज्यादा थिक एंड थिन पेस्ट आपने नहीं बनाना है, बस इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। गाइस ये बॉडी पॉलिशिंग का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। उसके बाद जो अपने क्लीन हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, फुल बॉडी पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरीके से हाथों को, पैरों को वॉश कर लिया है, हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद जो है इसको आपने लगा के 2 से 5 मिनट अपने फेस पे रखना है एंड जो है ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा एंड जो है 2 से 5 मिनट बाद जो है आपने अपने फेस को इसे जो है पूरा जितना भी डर्ट है, टैनिंग है, बहुत ईजिली निकाल देना है एंड जो है आपके एल्बो पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत टाइम से इसी तरीके से बनाती हूँ एंड इस्तेमाल करती हूँ एंड जो है जितना भी कालापन है, टैनिंग है, बहुत ही इजीली जो है इसे निकल जाता है एंड जो सबसे अच्छी चीज है कि ये ऑल स्किन टाइप वाले जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजीली जो है ये आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटन ब्राइटन करता है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है एंड स्किन में जो है नई जान एड करता है, डल सी स्किन को खत्म कर देता है। जो है आपने इसको 2 से 5 मिनट लगा के रखना है एंड देन हल्के हाथों से जो है इस तरीके से मसाज करना है। जितने भी इंग्रेडिएंट
किरण हमने डाले हैं ये आपके स्किन की लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। एंड देन जो है अपने हाथों पैरों को फेस को वॉश करना है। एंड इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है फेस के साथ साथ आप फुल बॉडी पे जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अमेजिंग आया है। एंड जो है जितना भी टैनिंग है डलनेस है बहुत इजीली इसको खत्म कर देता है। एंड जो है आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। एंड ये जो है बनाने में जितनी आसान है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज।